भारत में कोरोना की तीसरी लहर के लिए खास चेतावनी जारी की गई है। वहीं ब्रिटेन में वायरस की तीसरी लहर ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। कोरोना की दूसरी लहर अभी पूरी तरह थमी भी नहीं है कि तीसरी लहर आने की खबर से पूरे भारत में खलबली मच गई है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि अगर कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन नहीं किया गया और बाजारों और टूरिस्ट स्पॉट पर लगने वाली भीड़ को काबू नहीं किया गया तो कोरोना की तीसरी लहर सिर्फ 6 से 8 हफ्तों में पूरे देश पर अटैक कर सकती है। कयास लगाए जा रहे थे कि वायरस की तीसरी लहर बड़ों से ज्यादा बच्चों को प्रभावित कर सकती है। डॉक्टर गुलेरिया के मुताबिक फिलहाल अभी तक रिसर्च में ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं। फिलहाल कोरोना की तीसरी लहर के आने का खौफ हर शख्स के जहन में बैठ चुका है। दुनिया की बात करें तो विश्व में सबसे पहले कोविड वैक्सीनेशन शुरू करने वाले ब्रिटेन में कोरोना की तीसरी लहर ने तबाही मचाई है। पिछले 24 घंटे में ब्रिटेन में कोरोना वायरस के 10,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के नए मामले मिले हैं। आपको बता दें कि ब्रिटेन में 80.6% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। ब्रिटेन में कोरोना की तीसरी लहर के कोहराम के बाद से ही भारत में वायरस की तीसरी लहर की आशंका से लोग परेशान हैं। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।